केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के सरकारी बंगले 11 सफदरजंग रोड पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोर मासूम के बेटे का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह और पूरे मासूम परिवार के साथ श्री रामदास अठावले और उनकी पत्नी सीमा अठावले समेत पूरा परिवार कार्यक्रम में उपस्थित रहा। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने श्री रामदास अठावले से मुलाकात की और अपने विचार रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। देश को सामाजिक क्रांति की एक नई ऊर्जा देने वाले बेहद बुजारू और वंचितों के मसीहा केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले साहब की आज मैं पहली बार इनसे मिला हूँ। बचपन से पढ़ता रहा हूँ उनके बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से इन्होंने मजलूमों की आवाज उठाई, मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती थी और आज मुझे इनके दीदार का मौका मिला इस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर। तो निश्चित ही मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। आप सब लोगों के लिए भी इस वर्ष से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर हों और अठावले साहब के जीवन व्यवस्थ से आप एक प्रेरणा लें, यही मेरी आप सबसे इंतजार है। और इस वर्ष से आप सभी की लंबी उम्र की कामना के साथ पुनः धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। आपको बता दें कि श्री रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोर मासूम के बेटे के जन्मदिन के अवसर पर सभी ये मानवाह वहां एकत्रित हुए थे। इस अवसर पर केक काटने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों ने शुभकामनाएं दी। हमारे मुकेश मासूम जी के भाई किशोर मासूम और रेणु मासूम, इनका 30 साल के लड़के का जन्मदिन, मौलिक का जन्मदिन आज यहाँ मनाया जा रहा है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मासूम फैमिली ग्रेटर नोएडा से आती है। माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी जो मेरे बगल में बैठे और वो बहुत बड़े जुझारू नेता के रूप में, संघर्षशील नेता के रूप में वो बीजेपी में काम करते हैं और ग्रेटर नोएडा का जो डेवलपमेंट है उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज यहाँ ये छोटा सा जन्म दिवस का ये समारोह Happy birthday to you. Happy birthday to you.